हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाए हैं बिना मेहनत के ही फटाफट से बन जाने वाले आलू के चटपटे पापड़। सो गाइस, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं हमारे पापड़। सो गाइस, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कच्चे आलू, जो कि मैंने ये छील लिए हैं आलू। सो गाइस, आप 2, 3, 4 जितने आलू लेना चाहें उतने ले सकते हैं। छोटे आलू हैं तो ये मेरे 4 या 5 हैं, बड़े आलू होंगे तो ये 2 आलू ही ले लीजिएगा। सो गाइस, ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, उसमें देखिए आलू को हम इस तरह से रफली चॉप्ड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से आलू कट के और इसमें हम पीस लेंगे। आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा, वरना ये बिना पानी के ही बहुत ही आसानी से ये पिस जाते हैं। सो गाइस, ये देखिए हमारे आलू का पेस्ट एकदम रेडी है। कढ़ाई हमने चढ़ा ली है और ये देखिए मैं इसको कटोरी से नाप के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक कटोरी हमारा टोटल, ये जो है आलू का जो ये बैटर बना है वो हमारा टोटल एक कटोरी है। तो इसे मैं करीबन 2.5 से 3 कटोरी पानी इसमें डालूंगी। ये देखिए इस तरह से आप डाल दीजिएगा पानी, सिंपल वाटर है ये। और गाइस, ये देखिए जो आलू के जो हमारे लम्स पड़ गए हैं उसके लिए आप टेंशन नहीं लें, थोड़ी देर में ही अपने आप ही गर्म होकर के इसके जितने भी ये गुठलियाँ पड़ी हैं वो सभी की सभी निकल जाएंगी। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बैटर बनने लगा है, एकदम से आलू फूल गया है देखिए पानी में, पकने लगा है और ये जो थोड़े थोड़े लम्स दिख रहे हैं वो सभी निकल जाएंगे। जीरा देखिए मैंने अभी डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी निकलेगा, कलर भी निकलेगा। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि अभी ये पकेगा और कम हो जाएगा, इसलिए बस थोड़ा सा ही नमक डालिएगा, नहीं तो नमक एंड में डालिएगा। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी हैं और कुटी हुई काली मिर्ची, दोनों मिर्चियां हमने कूट करके ही डाल दी हैं। और ये देखिए इस तरह से आप इसको विस्कर की सहायता से फेंट दीजिए, फटाफट से इसकी गुठलियाँ सारी निकल जाएंगी। और गाइस, ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है हमारा ये आलू का बैटर, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही। सो गाइस, इसको आप लगातार चलाते रहें, नीचे ये तले में नहीं तो लग जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये देखिए अब ये चमचे पर रुकने लगा है हमारा बैटर, तो बस इसको बंद कर देंगे और ये ठंडा हो करके काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इसे टोटल 20 से 25 मिनट लगा है पकने में। अब देखिए धूप में मैंने एक पॉलीथीन बिछा दी है और उस पर हम डायरेक्ट एक चम्मच की सहायता से बस इस तरह से डालते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं लें, नहीं तो ये ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे। आपको बड़े चाहिए छोटे चाहिए आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ये देखिए धूप में मैंने डाल दिया है और ये एक दिन की धूप में ही एकदम कड़क से हमारे सूख करके तैयार हो गए हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं हो तो ये पंखे में भी 1 से 2 दिन में सूख जाएंगे। सो गाइस, देखिए मेरी उंगलियाँ भी दिख रही हैं, इतने पतले पापड़ बने हैं ये हमारे। और अब हम इन्हें फटाफट से सेक लेते हैं, बस ये कुछ सेकंडों में ही सिक जाते हैं। ये देखिए करीबन 2 से 3 सेकंड में ही ये पापड़ सिक करके तैयार हो जाता है और बनने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं और इसको खाने में तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगेगी। सो गाइस, ये देखिए बस ये मुँह में जाएगा और घुल जाएगा। सो गाइज, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनाइएगा, नहीं तो आलू का कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। और पापड़ को थोड़े मोटे मोटे ही पॉलीथीन पे सुखाइएगा, जिससे कि ये सूख करके एकदम पतले हो जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और नमक कम ही डालिएगा क्योंकि बाद में बहुत हो जाएगा। ये देखिए गाइज, पापड़ को मैंने तोड़ के दिखाया है, एकदम से ये चूर चूर हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बना है। आप यकीन मानिए, आप बनाएंगे तो आपको मन करेगा कि मैं हमेशा ऐसे ही पापड़ बनाऊं। सो गाइज, इन पापड़ को ज़रूर आप बनाइएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसी ही चटपटी मज़ेदार आसान रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज, बनेगा ज़रूर, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।